हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं। लौकी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है कई तरीके से। इसमें 90% तक पानी रहता है, जो कि आसानी से खाना हमारा डाइजेस्ट कर देता है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियां भी दूर करता है, जॉन्डिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, बहुत सारी। और इसके साथ ही इसमें विटामिन सी रहते हैं, विटामिन B3, B6, B5, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और इसको हमें 12 से 3 बजे के बीच में खाना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। सो इसको बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो सामग्री ली है, वो इस प्रकार है। ये मैंने लौकी ली है जो कि 700 ग्राम है, दूध लिया है आधा लीटर जितना 500 ग्राम, और उसमें मैंने विनेगर डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना। और ये शुगर मैंने आधा कप जितनी ली है। ये केसर सिरप है, इसको मैंने 1 टीस्पून जितना लिया है। ये इलायची पाउडर है आधा टेबल स्पून। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसको काट लिया है एकदम अच्छे से, 1/4 कप जितना। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लौकी को पील ऑफ कर लेंगे। लौकी खरीदते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि ये थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए और इक्वल साइज में होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ज्यादा मोटी है, कहीं पर पतली है। सो एकदम अच्छे से ध्यान से लीजिएगा। अब हम इसको धो लेंगे एकदम अच्छे से। इसको मैंने धो लिया है, कोई भी चीज धोना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अब हम ये, हालांकि बहुत बड़ी है इसलिए हम डायरेक्टली इसको ग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको हम दो टुकड़ों में पहले काट लेंगे। अब हम इसको एकदम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। वैसे ये काम बहुत ही लंबा प्रोसेस है, सो इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर अपने घर पे किसी मेंबर को हेल्प तो करेंगे ही। तो ये देखिए हमने एकदम अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इसके जो मैंने बीज है वो सेपरेटली अलग से कर दिए हैं। सो अगर आप चाहो तो इसमें मिला सकते हो, बट नहीं मिलाओगे तो और अच्छा दिखेगा इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो ये हमने पैन में डाल दिया इसको। अब हम इसको गरम करेंगे अच्छे से। तो ये मैं कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको गरम करूंगी, जब तक कि ये पूरा इसमें से पानी बाहर नहीं निकल जाता है। ये देखिए 5 मिनट बाद आप देख सकते हो इसमें से काफी पानी निकल गया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और दूध में ध्यान है ना आपको, इसमें विनेगर डाला हुआ है क्योंकि हमको दूध को फाड़ना है। इसमें मैं फटे हुए दूध से लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ। और ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब देखना आप, इसमें पनीर के टुकड़े दिखेंगे छोटे छोटे एकदम। अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गर्म करेंगे। और ये हमने केसर सिरप डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें मीठा कलर डाल सकते हो। अब इसको गरम तब तक करना है जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता है। ये देखिए दूध भी फटना शुरू हो गया है। और कंटिन्यू इसको चलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहिए। अगर मीडियम फ्लेम पे है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके चला सकते हो, आप मिक्स कर सकते हो। तो इसमें देखो ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। देखिए इसमें से काफी हद तक पानी जल चुका है, इसका दूध जल चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो लिखा हुआ ही है, वो तो आपको करना ही है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। और ये हमने इसमें घी डाल दिया है 1 टेबल स्पून जितना। अब देखिए इसको हमने 5 मिनट तक और अच्छे से गर्म किया है ताकि थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो भी जल जाए। और इसको पानी जब इसमें नहीं रहता है या फिर दूध नहीं रहता है क्वांटिटी इसमें, तो आपको कंटिन्यू उसको चलाना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो वो नीचे से चिपक जाता है। ये बहुत ही अच्छा कलर उभर कर आया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। इस कप में मैंने ज्यादा शुगर ली थी, बट हमें 1/2 कप जितनी ही शुगर डालनी है। तो देखिए ये इतनी ही बची है शुगर। आप अगर मीठा कम पसंद करते हो तो थोड़ा कम भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अब हम इसको 2 मिनट तक और चलाएंगे एकदम अच्छे से। स्लो फ्लेम पे चलाना है इसको, मिक्स करना है एकदम अच्छे से। अब देखो ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। देखिए 2 मिनट तक और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अपना गैस बंद कर दीजिए।
देखो तैयार हो गया एकदम मस्त गर्मा गर्म लौकी का हलवा। अब ये सर्व करने के लिए भी तैयार है। अगर आपके घर पे गेस्ट आए तो उन्हें भी खिलाइए और आप भी खाइए गर्मा गर्म लौकी के हलवे का आनंद लीजिए। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।